नमः शिवाय दोस्तों सावन का महीना बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है 22 तारीख से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा और सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में भक्तगण सराबोर रहते हैं बहुत ही पवित्र महीना होता है शिव भक्ति का सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है तो और साथ ही साथ ही भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन का महीना माना जाता है इस वीडियो में आपको सावन सोमवार का व्रत कैसे रखना है पूजा कैसे करनी है इन विधि पूरा पूजा की आपको करके दिखाने वाले हैं भोग प्रसाद क्या रहेगा वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सावन सोमवार की आपको देने वाले हैं सबसे पहले जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लीजिए और अगर आप चाहें तो अलग से चौकी भी स्थापित कर सकते हैं नहीं चाहते हैं तो जहाँ आप प्रतिदिन आप अपने घर का मंदिर है जो डेली पूजा करते हैं आप वहीं पर भी पूजा कर सकते हैं ठीक है आप एक चौकी ले लीजिए उस पर लाल या पीला कपड़ा कोई बिछा लीजिए पीला कपड़ा प्रिय होता है तो आप पीला हो सके तो बिछा लीजिए भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती के अगर साथ में आपके पास कोई फोटो है तो आपको वो फोटो स्थापित करनी है साथ ही साथ गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं तो आपको उनकी स्थापना भी कर देनी है और फूलों कोई भी फोटो आप ऐसे ही नहीं रखेंगे उसके नीचे आप चावल या फिर फूल कुछ भी नीचे आपको आसन देना है फिर आपने कलश स्थापना की तैयारी करनी है कलश स्थापना भी आपको करना है कलश स्थापना के लिए आप एक तांबे का या फिर पीतल का कोई भी एक लोटा या स्टील का भी ले सकते हैं उसमें आपको स्वास्तिक बना देना है आ... और उसके बाद उसमें चीज़ें आपको जो डालनी है वो है सिक्का आप डाल दीजिए सुपारी डाल देना है कमल गट्टा है तो कमल गट्टा भी डाल सकते हैं और फूल आपको डाल देना है ठीक है ये सब चीज़ें सामग्री हल्दी डाल दिया है ये सब डालने के बाद आम का पल्लव लेना है आम का पल्लव ना मिल पाए तो अशोका भी आप ले सकते हैं उन पत्तों पर भी आपको जो है पीला चंदन से टीका करना है साथ ही साथ में आपको रोली से भी आप टीका कर सकते हैं इस प्रकार से जल भरिएगा और जल कलश में जल भरना है और जल भरने के पश्चात आम के पल्लव रख देना है उसके ऊपर कोई भी एक अनाज आप रख सकते हैं चाहे तो ताज चावल रख सकते हैं और चाहे तो आप वो वहाँ पर गेहूँ भी रख सकते हैं फिर आपको दीप कलश की स्थापना करनी है दीपक जला करके रख दीजिएगा सबसे पहले दीप कलश आपका स्थापित हो गया है अब आपको शुद्ध जल लेकर के स्नान करवाना है देखिए आपको अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप विधि विधान से उसको दूध दही घी से स्नान शहद और गंगा जल से स्नान करवाइएगा विधिवत अगर शिवलिंग है चाहे घर के बाहर रखा हो या घर के मंदिर में रखा हो ठीक है इस तरह से अगर नहीं है तो प्रतीक के रूप में आप इस तरह से मेरे फोटो में जैसे बना हुआ है शिवलिंग थे उस तरह से आपको करके दिखा दिया है आपको दूध से दही से इस प्रकार से आप और उसके बाद शहद से घी से इन चीजों से आपको आ, स्नान करवाना है इस तरह से प्रतीक के रूप में आपको स्नान करवा दीजिएगा ठीक है जैसे मैंने करवाया है भोग की तरह आपने करवा दिया और अगर शिवलिंग आप मंदिर जाके करते हैं तो लेकिन सावन सोमवार में विधि विधान से आपको करना चाहिए भले ही आप मंदिर जाकर करवाएं स्नान या फिर आप आपके घर में शिवलिंग है आप उसकी पूजा इस प्रकार से कर लीजिएगा उसके बाद आपको उसको फेंकना नहीं होता है उसको आप रख दीजिएगा अगर प्रतीक के रूप में भगवान को रुद्राक्ष की या माला बहुत प्रिय होती है उनका रुद्राक्ष अति प्रिय है तो उनको रुद्राक्ष की इस प्रकार से माला भी आपको चढ़ा देना है ऊपर एक चुनरी भी रख देनी है चढ़ा देनी है अर्पित करना है फिर पीला चंदन अति प्रिय है तो आपको पीले चंदन से तिलक करना है सभी देवी देवताओं को जिनको भी आपने स्थापना करी हुई है सिंदूर गौरी माता का पिए तो गणेश भगवान को और पार्वती माता को आप सिंदूर से टीका जरूर करें दोनों और शंकर भगवान को गलती से भी सिंदूर मत लगाइएगा उनको सिंदूर वर्जित है इस प्रकार से दोस्तों गौरी माता और और शंकर भगवान दोनों की पूजा का विधान है तभी आपको पूर्ण फल मिलता है इसके बाद फूल माला अपनी अनुसार जो भी आपका मिल जाता है वो अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को तो सफ़ेद फूल प्रिय हैं तो अगर मिल जाए तो सफ़ेद फूल फिर उनको उनकी प्रिय चीज़ें जैसे कि बेलपत्र धतूरा ये चीज़ें चढ़ाइएगा बेलपत्र से आपको इस प्रकार से देखिए अगर हो सके तो चंदन से बिंदी लगा देनी है या फिर ओम लिख दीजिए स्वास्तिक बना दीजिए श्री लिख दीजिए कुछ भी इस तरह से लिख करके चंदन से आपको अर्पित कर देना है बेलपत्र गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा इसके बाद जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा जनेऊ सफ़ेद सफ़ेद मत चढ़ाइए उस थोड़ा सा पीला हल्दी लगा दीजिएगा चाहे किनारे कहीं लगा दें और अर्पित कर देना है आपको इस प्रकार उसके बाद वस्त्र अर्पित करने के लिए आपको जो मौली होती है रक्षा सूत्र उसी से आपको सभी को वस्त्र अर्पित कर देना है वस्त्र के रूप में आप चाहे तो सच में भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं किसी को दान कर सकते हैं बाद में वो वस्त्र नहीं तो मौली के रूप में कमल गट्टा देखिए कमल गट्टा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है अगर आप शंकर भगवान को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी यहाँ पर बरसती है इस तरह से सारी चीजें आपको बेल पत्र हो गया धतूरा हो गया मदार का फूल जिसे आंकड़े का फूल कहते हैं अगर मिल जाए मुश्किल होता है थोड़ा सा भांग मिल जाती है अगर ये चीजें तो आप जरूर चढ़ाइए फिर भोग प्रसाद के रूप में आपने गणेश भगवान को लड्डू अर्पित कर दिया है मिष्ठान और साथ ही साथ फल फूल जो आपको आसानी से मिल जाए सेब संतरा आम इस मौसम में और साथ ही साथ हलवा या शीरा पार्वती माता को चढ़ता है उनको मीठा भोग पसंद है तो खीर भी आप भोग में लगा सकते हैं भोलेनाथ को भी अति प्रिय है तो ये चीज़ें आप भोग लगा दीजिए और सुहाग की मुख्य सामग्री पार्वती माता को ज़रूर चढ़ाइएगा ज़्यादा संभव नहीं है तो जितनी आपकी सामर्थ्य है चार या पाँच सामग्री आप उसे खुद भी अपने लिए रख सकती हैं साथ ही किसी और को सुहागन स्त्री को भी उसको दान कर सकती हैं आप ठीक है इस तरह से सुहाग की सामग्री पार्वती माता को करने से क्या होता है आपका सुहाग पर सौभाग्य बढ़ता है सुहाग पर कृपा बनी रहती है माता पार्वती की इसके बाद सोमवार व्रत कथा आपको पढ़नी है और भगवान भोलेनाथ की आपको आरती करनी है विधि विधान से आरती की थाल तैयार कर लीजिएगा और इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बना लेना है चावल थोड़ा सा उसमें अक्षत रख देना है फूलों से आपको आरती की थाल सजा लेनी है जितना भाव का बहुत महत्व होता है ये सब चीजें देखिए तो आपको उसके बाद घी के दिए भी चलाने हैं साथ ही साथ कपूर अगर आप संभव हो सके तो कपूर से भी आरती जरूर करें क्योंकि कपूर क्यों की आरती का भोलेनाथ में विशेष महत्व होता है पूजा में इस प्रकार से आपको गा करके अपनी आरती करनी है गाती आप गाइएगा ओम जय शिव कारा स्वामी जय शिव कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगिनी धारा ओम जय शिव कारा इस प्रकार से आरती पूरी गा करके पूरे श्रद्धा से कर लीजिएगा और जल छिड़क करके शांत कर लेना है दीपक को दक्षिणा आपकी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा दीजिए जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा चढ़ाएं जो भी आपकी सामर्थ्य है चढ़ा दीजिए बाद में उसको दान कर देना है आपकी पूजा में कमियों को दक्षिणा दूर करता है फिर हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से जो भी आपकी पूजा में गलती रह गई है भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करना है माता पार्वती से और भोलेनाथ से अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए और अपने पति की दे दीर्घायु के लिए आपको प्रार्थना करनी है इस तरह से आपकी ये पूजा पूर्ण होगी सोमवार के दिन आप जैसे पूजा करते हैं व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखिए बहुत महत्व होता है अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम पूजा तो आप विधि विधान से कर सकते हैं मंदिर जाकर के शिवलिंग की पूजा जरूर करिए नहीं मंदिर जा सकते हैं तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग की पूजा करें नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना करके उसका जलाभिषेक भी पूरे सावन कर सकते हैं नहीं तो सोमवार के दिन तो जरूर करें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव